कि हमने चोर को चोरी करते हुए फिर से पकड़ लिया है, हमने इनको चाय पर चर्चा करते हुए देखा था तो जो चाय बेचने की बात करते थे हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ लिया है तो पॉकेटमार को जब पकड़ लीजिएगा तो वो चोर चोर चिल्लाने लगेगा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो झूठ ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो तुम एक बात जान लो भाई, तुम्हारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना ईडी और सीबीआई, उससे हम घड़ी घंट नहीं डरने वाले हैं। दोस्तों, ये हम सबके लिए बड़े गर्व की बात है कि देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी राजनीतिक दल, जो एक राजनीतिक दल नहीं है, जिसने आज के भारत का नींव रखा है, उस पार्टी का हम स्थापना दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। जब हम अपने पार्टी की स्थापना दिवस मना रहे हैं तो हमको कुछ बात अपने दिमाग में, अपने जहन में उतारने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जब हम नागपुर में यहां मना रहे हैं तो जो लोग नागपुर को संघ भूमि बनाना चाहते हैं उनको हम चुनौती देना चाहते हैं, जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी, जब तक इस देश में एक भी कांग्रेसी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा, अपने रक्त के आखिरी कतरे तक नागपुर को संघ भूमि नहीं दीक्षा भूमि बना करके रखेगा। इस बात को याद रखिएगा कि जिस देश में हत्यारों का गाना गाया जा रहा है उस देश में महात्मा गांधी पैदा हुए हैं, और महात्मा गांधी ने जिस पार्टी को बनाया है, जब तक वो पार्टी जिंदा रहेगी तब तक आप इंसान को इंसान से नहीं लड़ा सकते हैं। हम बोलते रहेंगे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, हम यह तराना गाता रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। और जब आज हम पूरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से कि हैं तैयार हम, तो किस बात के लिए तैयार हैं हम? हम तैयार हैं इस देश के संविधान की रक्षा करने के लिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? इतनी जोर से आवाज लगाइए कि यह आवाज नागपुर से दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। आप तैयार हैं कि नहीं है? हम तैयार हैं इस देश की जमहूरियत को बचाए रखने के लिए। हम तैयार हैं इस देश में कमर तोड़ महंगाई को समाप्त करने के लिए। हम तैयार हैं इस देश के नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के लिए। हम तैयार हैं महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचार को समाप्त करने के लिए। हम तैयार हैं आजाद देश में आजादी की रक्षा के लिए। हम तैयार हैं, यह हमारा संकल्प है। और जब हम इस संकल्प को दोहरा रहे हैं तो एक चुनौती भी हम लोगों को समझना पड़ेगा भाइयों। चुनौती यह है कि आप में से बहुत सारे लोगों को एक अनुभव हुआ होगा कि जब आप किसी पॉकेटमार को ट्रेन में पॉकेटमारी करते हुए पकड़ लेंगे तो पॉकेटमार इतना चालाक होता है कि वही जोर से चोर चोर चिल्लाना शुरू कर देता है। बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आज हमारे साथ इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी, महात्मा गांधी की पार्टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू की पार्टी के साथ भी यही हो रहा है कि हमने चोर को चोरी करते हुए फिर से पकड़ लिया है। हमने इनको अंग्रेजों के साथ चाय पर चर्चा करते हुए देखा था तो जो चाय बेचने की बात करते थे हमने उनको देश बेचते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और जब हमने उनको देश को रंगे हाथ बेचते हुए पकड़ लिया है तो पॉकेटमार को जब पकड़ लीजिएगा तो वो चोर चोर चिल्लाने लगेगा। वो कहते हैं कि कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार लेकर के आई। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं, आज आप कांग्रेस के नेताओं के घर पे ईडी भेजते हैं, परसों जय शाह के पिताजी से
वही कांग्रेस का नेता अगर फोन पे सेटिंग कर ले तो वो ईडी जो है अपना रास्ता कैसे भूल जाती है, वो पता कैसे भूल जाती है। इसका मतलब ये है कि जो पार्टी देश की पार्टी है उस पार्टी को देश के आम लोगों के नजर में बदनाम किया गया है, और देश के आम लोगों के नजर में इसलिए बदनाम किया गया है कि अगर आप कांग्रेस के प्रति अपनी भावना छोड़ देंगे तो देश में कोई आपकी बात करने वाला नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए इस मंच से मैं आप तमाम लोगों से एक बात की अपील करना चाहता हूं कि हे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जब आप चाय की दुकान पर बैठते हैं, जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, जब आप बसों में चलते हैं, जब आप खेतों में चर्चा करते हैं, दफ्तरों में चर्चा करते हैं, तो एक बात को याद रखिएगा कि सामने वाला जब आपको जलील करता है ना, तो वो आपको जलील करने से पहले अपने माँ बाप को जलील कर रहा होता है, अपने पूर्वजों को जलील कर रहा होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस देश का इतिहास है, वर्तमान है और इस देश की आम आवाम का भविष्य है। यह बात हमको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों से लड़ करके इस देश को आजादी दिलाई। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि दलितों को और ब्राह्मणों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का वोट का अधिकार मिला। आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि राजे राजवाड़ा का वोट भी एक और नाली में उतर करके गटर साफ करने वाले का भी वोट एक, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित करके आई। मैं कहता हूं कि जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू को लोग आज संसद में खड़ा होकर के गालियां देते हैं, याद रखना मेरे दोस्त, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो झूठ ही सही तुम ये बात आज बोल नहीं पाते कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कांग्रेस का इतिहास ये है कि हम इस देश की आम आवाम के लिए लड़े थे, लड़े हैं और लड़ेंगे। इसीलिए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, अपने 50 साल के राजनीतिक इतिहास में एक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। यह है कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक इतिहास, यह है इस देश का इतिहास। इसीलिए आप तमाम कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो देश की हालत है, जिस तरीके से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरीके से हर घंटे नौजवान आत्महत्या कर रहा है, इसीलिए हमको इस संकल्प के साथ चलना पड़ेगा कि ये हमारी कांग्रेस है, हम सब की कांग्रेस है, यह हमारा देश है, हम सब का देश है, और इसको बचाने के लिए अपने शरीर के आखिरी खून के बूंद तक हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप बताइए, चुनावी हार जीत अपनी जगह पे है, देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए आप तैयार हैं कि नहीं है? अगर आप तैयार हैं तो आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारी रगों में उन पूर्वजों का खून बहता है जिन्होंने इस देश को अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी से आजादी दिलाई थी। जब हमारे पुरखे अंग्रेजों की टैंक से नहीं डरे, जब हमारे पुरखे बलिदानियों का इतिहास बनाया, जब हमारे पुरखे फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया, तो तुम एक बात जान लो भाई, तुम्हारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ईडी और सीबीआई, उससे हम घड़ी घंट नहीं डरने वाले हैं। आप लोग डरने वाले हैं क्या? तो इस देश की बचाने की लड़ाई में सबको शिक्षा के लिए, सबको काम के लिए और इस देश के हर आवाम को बराबर के आत्मसम्मान के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हम पूरी तरह से संघर्ष करेंगे तो आखिरी अपील के साथ, आखिरी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं कि कहते हैं कि कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अगर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज भी
गांधी को अपने दिलों में बसा करके सड़कों पे निकल जाए तो इनको हम सिर्फ हराएंगे नहीं बल्कि एक नए भारत का, भारत के सपने का निर्माण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपने पूरे नेतृत्व को, अपनी बात को खत्म करूंगा।